होस्टल आवंटन मामले और पीएमसीएच में कॉटेज पर कब्जा मामले पर शनिवार को पारामेडिकल के छात्रों का पीएमसीएच के प्राचार्य अजीत वर्मा के साथ बैठक हुई। दरअसल पीएमसीएच के पारामेडिकल के छात्रों को हॉस्टल आवंटन नहीं होने से उन्होंने 5 दिनों तक अस्पताल के नर्सिंग कॉटेज पर जबरन कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ था। इसी क्रम में शनिवार को प्राचार्य ने छात्रों के साथ बैठक की और छठ पूजा के बाद हॉस्टल आवंटन की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं छात्रों ने भी कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो उनका आंदोलन और भी उग्र होगा। छात्रावास पर बात हुई, खाली पड़े नर्सिंग हॉस्टल में गर्ल्स को रखने की बात की गई और उसका प्रोसीडिंग के लिए प्रधान सचिव को लिखा गया है और बाहर कैंपस से बाहर बिल्डर्स की व्यवस्था करके बिल्डिंग में खाली पड़े सरकारी रेंट पर लेकर के बिल्डिंग में पैरामेडिकल छात्रों को रखा जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला है। और 5400 करोड़ की लागत से जो बनने वाली है मॉडल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, उसमें पैरामेडिकल छात्रों के लिए भी सेपरेट हॉस्टल और सेपरेट क्लासरूम, लेक्चर थिएटर, लाइब्रेरी, सारा चीज़ की व्यवस्था। अभी के लिए क्या व्यवस्था किया गया? अभी के लिए यही व्यवस्था किया गया है कि नर्सिंग इंस्टीट्यूट में नर्स छात्रों को रखा जाएगा, वो भी अब इसका आज प्रधान सचिव को लिखा गया है, देखते हैं उसका क्या जवाब आता है। और यदि हम लोग के जो उसका जवाब नहीं आया हम लोगों के प्रति और हम लोग नहीं उसमें नर्सिंग में नहीं छात्राओं को नहीं रखा गया, फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। फिर कब्जा कीजिएगा? कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन गांधीवादी विचारधारा लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अनशन करेंगे और इसकी सारी जवाबदेही स्थानीय प्रशासन। फिर आप लोगों ने हॉस्टल तो खाली कर दिया है ना? जी, वो खाली कर दिए और FIR से रिलेटेड मुद्दों में बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर कम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं और इसमें जो भी गिरफ्तारी की बात थी वो गिरफ्तारी नहीं होगी। आश्वासन मिल गया? जी, ये आश्वासन मिला है। आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? हाँ, ऐसा उम्मीद बहुत 5% उम्मीद है, अब देखिए क्या होता है। नहीं हुआ तो फिर हम लोग अपने राजस्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करके फिर अपना आंदोलन का निर्णय लेंगे।